नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। सभी लोग आकर मुझे बोले कि सर, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर उम्मीदवार दिया, हम खुश हैं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की आमदार मनीषा दई चौधरी ने किसी को मुंह दिखाया नहीं या किसी का काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वसूली का काम इसने किया। हम उनकी निंदा करते हैं और जिनको जिनको उन्होंने लूटा है वो सारे लोग आज उनकी तकरार लेके मेरे पास आ रहे हैं। मैं गरीब जनता से सिर्फ इतना वादा करूंगा कि इस विभाग की दहसर विभाग में जो समस्या है उन समस्या को मैं 15 साल से जान रहा हूँ, मुझे किसी ने कोई बताने की जरूरत नहीं। उधर सिर्फ बिल्डरों के साथ आती, हमारे चाचा भी यहाँ कह रहे, मैं यहाँ पर आम आदमी का नुमाइंदा बनकर आया हूँ और आम आदमी के लिए दिन रात काम करूंगा, ये वादा करता हूँ। कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण सावंत का आरोप है कि आपने 5 साल में कहीं घूमा नहीं है, आपने बिल्डरों के लिए काम किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि अरुण सावंत को पहले चश्मा है वो चश्मा निकाल दे और पूरे दहिसर विधानसभा में जनता जनार्दन का जो प्यार है और हमने जो किए हुए काम है, जो कांग्रेस ने बसाया हुआ गणपत पाटिल नगर, लोगों से पैसा लेके उनका सर्वे भी नहीं कर पाए, इस गणपत पाटिल नगर में पानी दिया, लाइट दिया, उसके लिए सर्वे के लिए SRA से पैसा भरा, दहिसर नदी का प्रोजेक्ट किया, मैंग्रोव पार्क का प्रोजेक्ट किया और दहिसर बोरीवली नहीं पूरे मुंबई के जो कांग्रेस के गलती के वजह से जो हमारे रीडेवलपमेंट के प्रॉब्लम थे और रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वो हमारे मुख्यमंत्री और मुंबई के हमारे कमिश्नर इन दोनों के सहकार्य से मैंने चालना दी है। अगर बिल्डर हमारे लोगों ने घर बिल्डर को दिए हैं, 5-5 साल हुए ये प्रोजेक्ट नहीं होते थे तो उनका काम करना, रास्ता देखो, यहाँ के फुटओवर देखो, यहाँ की कुआएं देखो, यहाँ के जो जो प्रॉब्लम है, जो लोगों को यहाँ से माहौल भेजा जा सकता था उन लोगों को 4000 PAP का काम किया है। सावन को बोलो तेरी पक्ष तेरे साथ, छवि वाले चेहरे को कांग्रेस ने उतारा है। मैंने 20-25 साल दहिसरवासियों को साथ दिए, उनके लिए गली गली घूमकर काम आप किया। यहाँ पूछो के नाम नहीं सुना, अभी तक नाम नहीं सुना उसका। मजा ही है, लोकशाही में हर एक इंसान को चुनाव लड़ना उसका हक है। मैं बोलती हूँ अरुण सावंत ने विकास के मुद्दे के ऊपर मेरे साथ डिबेट के लिए आना।